आप सब मीडिया नो खूब खूब आभार के आपे आपनो कीमती समय काढ़ी अने अहीं आव्या छो ए माटे आजे आपणे बधा अहीं एटले मळ्या छीए के देवीबेग शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड नी 8मी ब्रांच निकोलमां खोलवामां आवी छे અને જે નિમિત્તે આજે શ્રી આશીષ શર્માએ અમદાવાદમાં જેટલા પણ અનાથ આશ્રમ વૃદ્ધાશ્રમ અને અંધજન મંડળ છે ત્યાં એમના ગામની સુપ્રસિદ્ધ મીઠાઈ ખીરમોન જેનું ભેટ તરીકે બધાને આપેલ છે તો આજ સૌની વચ્ચે હવે ઉપસ્થિત છે શ્રી આશીષ શર્માજી આશીષ સબસે પહેલે તો મેં આપ સભી મીડિયા વાળો કા હાથ જોડ કે ધન્યવાદ કહુંગા કે આપ સબ લોગ આયે ઇતની ખુશી હો રહી હૈ મુજે અભી ऐसा लग रहा है कि जैसे कि देवी के कारण ये सब कुछ सफल हो पाया है क्योंकि एक फर्श वाला कभी कॉन्फ्रेंस रख पाया कभी सोचा कितने लोगों को मिठाई दिया भाई मिठाई देने का टारगेट तो अभी हमारा आज 2100 किलो का है हर साल ऐसी कॉन्फ्रेंस रखी जावे और ये तो सिर्फ मिठाई की बात है इन सब बच्चों को स्कूल बैग्स और देवी की तरफ से गिफ्ट में दिए जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी इसके अलावा देवी का टारगेट है और गुजरात में न कि सिर्फ अहमदाबाद में अपनी ख्याति बनाने का पूरे गुजरात में और देवी का जो डायरेक्टर होने के नाते मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है जितना ज्यादा जरूरतमंदों को मैं सहायक हो सकूंगा इस मुकाम पर मुझे पहुंचाने के लिए सबसे पहले मैं मेरे पिताजी का आशीर्वाद और एहसान मानता हूँ जिनने मुझे एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर दिया था उससे भी ज़्यादा आभार मैं इस गुजरात की पब्लिक का मानता हूँ इन भाई बहनों का मानता हूँ जिनने मुझे इतना सपोर्ट किया अब हमारा टारगेट गुजरात तो है ही है इसके अलावा हमारा जो देवी ग्रुप है उसमें जो मेरे साथ में आए हुए हैं जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं ये सब मेरे वो दोस्त हैं जिनको खुद मैंने मेरी मर्जी से दोस्त बनाया है क्योंकि माँ बाप भाई सब तो ऊपर से फिक्स है कि जो आज मेरे साथ में बैठे हैं वो देवी बेग के साथ सब टॉपर्स बैठे हुए हैं और मैं ये कामना करता हूँ कि देवी बेग की मीटिंग या कॉन्फ्रेंस कम से कम 500 लोगों की हो गई जिसमें ऑल इंडिया की मीडिया जावे ये देवी में पैक टारगेट है आज की कॉन्फ्रेंस देख के मुझे लग रहा है कि आप 100% आएंगे और आप सबका साथ से कर रहा और हमारे दोस्तों का साथ रहा तो आईपीओ जरूर आएगा इसीलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि सारी गुजरात को पता चले कि अब देवी बेग की फ्रेंचाइजीज ओपन है अब देवी परिवार अहमदाबाद से निकल के पूरी गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और शायद कल परसों इंडिया तक भी पहुंच जाए तो आईपीओ 100% आएगा ये प्रारंभिक तो ये है कि देवी की जब भी पूजा होती है चाहे वो कोई भी स्टेट हो उसमें आठम के दिन का खास महत्व होता है तो इस अहमदाबाद महानगर में देवी ने अपना आठवां महोत्सव जो निकोल में खोला है तो देवी की प्रसादी के रूप में ये मिठाई हमने सुबह से ही बांटने का चालू कर दिया है जब तक कि 2100 किलो का टेम्पो खाली नहीं हो जाएगा तब तक हम बांटते रहेंगे और देवी भक्त होने के नाते से मैं ये कोशिश करूंगा कि हर साल इसमें पीछे मिंडी रखती जा रहे इस साल 2100 तो अगले साल 21,000 हो गए इस बार तो अभी मिठाई है लेकिन जहाँ पे मुझे लगा कि इनको देवी की हेल्प की जरूरत है तो वहाँ पे मैं उनको स्कूल बैग्स देने का अनाउंसमेंट करके आया हूँ कि जब भी आपके बच्चों को बैग्स चाहिए तो मुझे खाली फोन कर देना मई या जून में जब भी स्कूल या कॉलेज ओपन हो गए तब नहीं सोशल्स में ऐसा है ना कि आशीष शर्मा जी बिजनेसमैन है और अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं अब जैसे जैसे देवी परिवार बढ़ेगा तो सोशल एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी ये हमारी पहली शुरुआत थी और हम देवी से यही चाहेंगे देवी की कृपा हमेशा हम पर रहे ताकि ऐसी सोशल एक्टिविटीज हम हर तरह की करते रहें और बढ़ाते रहें तो जरूर फ्यूचर में सोशल एक्टिविटीज बढ़ेगी अभी आपका कितना टर्नओवर है और अभी जो आप जो बात कर रहे हैं गुजरात में और पूरे इंडिया में जाने वाले हैं तो अभी अगला प्रोग्राम क्या है गुजरात में कौन से स्टेट पे आप जाने वाले हैं
जी अभी फिलहाल हमारा टर्नओवर ईयरली 9 से 10 करोड़ रुपए का है और हमारा प्लानिंग गुजरात में एट प्रेजेंट उत्तर गुजरात की बात चल रही है पर फ्रेंचाइजीज पूरे गुजरात के लिए ओपन है। हो सकता है कि मैं यहाँ उत्तर गुजरात बोल रहा हूँ और कल परसों ऐसा पता चले कि बड़ौदा में ब्रांच खुल रही है, सूरत में खुल रही है, नडियाद में खुल रही है, क्योंकि हमने गुजरात पूरा ओपन रखा है तो फ्रेंचाइजीज तो हर जगह खुलेगी। सर सर काउंटिंग में तो ऐसा सिटी के हिसाब से होता है, छोटा सा स्ट्रीट समझो छोटी जगह हो गई जैसे नडियाद जैसा हो गया तो वहाँ एक से दो फ्रेंचाइजीज रहेंगी, बड़ौदा हो गया तो वहाँ चार रहेंगी, सूरत होगा तो शायद अहमदाबाद जितनी 10-12 भी हो सकती है, तो जैसा जैसा स्ट्रीट जगह रहेगी उसके हिसाब से फ्रेंचाइजीज का काउंटिंग रहेगा। सर सर प्लानिंग में तो ऐसा है ना कि सब देवी के ऊपर है, देवी कितना जोड़ लोगों को हमसे जोड़ दी है उसके ऊपर है। हमारा प्लानिंग तो कम से कम ऐसा है कि हम 2 साल के अंदर गुजरात में 100 ब्रांचेस कर देंगे। एक्चुअली आप जो सैलरी काम कर रहे हैं इसका क्राइटेरिया क्या, आप एनजीओस को वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, हाउ यू सिलेक्ट? आज हमने किसी को सिलेक्ट नहीं किया है, हमने ऑनलाइन डेटा निकाला है कि अहमदाबाद सराउंडिंग में कितने वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, अंधजन मंडल है, तो उन सारी जगह पर जितनी डिटेल्स हमारे पास मिली है, जितना डेटा हमें ऑनलाइन से मिला है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं, इसमें कुछ हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, कुछ ट्रेडिंग होता है, माल दिल्ली से आता है, बॉम्बे से आता है, जैसे कि VIPs है, अमेरिकन टूरिस्ट है, ऐसी काफी सारी ब्रांड्स हैं जो कंपनी के थ्रू ही आती है तो वो कंपनी से ही हमें प्रोवाइड होती है। आने वाला कारण है कि अमेरिकन टूरिस्ट है और नहीं VIP का है, आने वाला कारण देवी ने डिसाइड कर दिया है, वोकल फॉर वोकल अपनी रेमन कंपनी अहमदाबाद की और बॉब कंपनी अहमदाबाद की, इन फ्यूचर आफ्टर 2 ईयर्स जब आप देखोगे तो बॉब और रेमन देवी के आशीर्वाद से मोनोपोली तो ये है कि आप ये समझो कि इन 2-2.5 साल में जो भी छोटे मोटे बैग वाले थे वो तो सब बंद हो गए और देवी बैग ने सीधा 100% ग्रोथ किया। कोरोना के टाइम पे 4 शॉपिंग मॉल थे, आफ्टर कोरोना अभी 8 शॉपिंग मॉल हो गए, तो बिकता तो सब कुछ ही हमारे वहां पर, देवी का प्रसाद कभी बचता ही नहीं है। अभी तक जितने भी मॉल है 8 वो हमारे खुद आशीष शर्मा मैनेजिंग डायरेक्टर के हैंडलिंग में, और उसके लिए ये सब मेरे दोस्त हमेशा संभालते, अभी तक कोई पार्टनर से कोई कुछ भी नहीं, ऑल इज सिंगल मैन ओनर। डीलरशिप देने वाले हैं क्या भविष्य में? भविष्य में ये प्लानिंग तो डीलरशिप देंगे, वो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि इंसान कैसे है, बाकी तो हमारे पास इतना मैन पावर है, देवी को कोई पावर की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही पूरे इंडिया में भी खोल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारा चरोत्तर में भी है और भोग का हमारा जो कंपनी है भोग जो देवी बैग की कंपनी है ये हमारे बिजनेस पार्टनर है, भोग देवी बैग भोग और रेमन कंपनी, ये भोग के डायरेक्टर राजेश जोशी है। नमस्कार, देवी बैग को मैं करीबन ऐसा समझो कि 3-4 साल से जान रहा हूँ, डे बाय डे उन्होंने प्रगति किया है और ये जो बोल रहे हैं कि कोरोना के काल दरमियान जो 4 में से 8 किया और अभी जो उनका प्लानिंग है इस हिसाब से वो आगे ही बढ़ते रहेंगे। और वहाँ तक मेरी कंपनी का बात करूँ तो मेरी कंपनी का नाम है GT Aston Industries और मेरी ब्रांड का नाम है वोग और वो उन्हीं के साथ पूरा टाइप है और मेरा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ चांगोदर रोड पे बावला में है मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ मेरा ज़्यादातर 4-wheel ट्रॉली बैग्स, डफल बैग्स और टाइप ऑफ ट्रैवलिंग बैग्स बनता है। अभी तक एट प्रेजेंट 120 जनता स्टाफ है, इसके अलावा कितने ही ऐसे लोग हैं जो शायद देवी बैग में जॉब नहीं करते हैं लेकिन देवी का प्रसाद लेके जाते हैं, देवी उनको देती है, देवी यानी एक पर्सनल मालिक की ओनरशिप नहीं है मेरी, मैंने तो ये डिक्लेरेशन किया हुआ है जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन मेरे नाम पे एक रुपया भी नहीं होगा, मेरे बच्चे को भी बोला हुआ है और आफ्टर विदिन 100 डेज मैं स्टार पावर को कोई डायरेक्टर बनाना दूंगा, मैं खुद डायरेक्टर भी नहीं रहूंगा, मुझे तो देवी भगत बनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कंपनी आपके साथ टाई अप है तो आपके कौन से लोगों से आपकी बैग मिलती है? डीवी करके लोगो है, डीवी उससे चलता है।
गुजरात के बाहर तो मेरी जो जन्मभूमि है राजस्थान, तो इसके पहले मैं राजस्थान में एक मिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वहां से इतने अच्छा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया मेरे को, लेकिन मुझे सक्सेस ये गुजरातियों ने किया है। अंबानी भी यहाँ से गए और अडानी भी यहाँ से गए, शायद तीसरा मैं हो जाऊँ। फेस्टिवल ऑफर्स में तो जब हमारा मूड होता है ना, तब अब तक देवी बैग ने जितनों की गिफ्ट बांटी है ना, गिफ्ट ये पेपर लेके आओ, फेस्टिवल्स आते हैं तभी आप, नहीं उससे कोई निस्बत नहीं है। अभी आप कल के कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखोगे, कोई भी स्टूडेंट खाली अपना आईडी लेके जाएगा, उसको 275 रुपए का बॉडी स्प्रे गिफ्ट, कल 1870 बॉडी स्प्रे गिफ्ट में दिए, जिसके हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जो आधार कार्ड या स्टूडेंट आईडी कुछ भी लेके आए बच्चे, उन सबको दिए। और आज तक देवी बैग ने गिफ्ट बांटने की शुरुआत 2016 से की थी, जब भास्कर पेपर में डिक्लेरेशन दिया था कि ये पेपर लेके आओ, फ्री में गिफ्ट लेके जाओ, तो भास्कर के एमडी का एमपी से फोन आया, मगर भाई तू पागल है क्या? मैंने बोला हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, तुम भाई अगर छापो बांटने ठीक है। चमड़े की चीज देवी बैग में कभी भी नहीं मिलेगी, कोई बोल देगा कि चमड़ा है, नहीं, आर्टिफिशियल है, कभी भी देवी बैग में 100% लेदर कभी भी नहीं मिलेगा। मैं खुद गया था एक शो पर, तो उसका आपको 25-30 रुपया से एक किराया, ये अपना भाव तो ज्यादा है, तो हमारा नहीं। सर जी आप कौन से स्टोर पर गए हैं? ओके एक सेकंड, हमको खुद इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम इतना फास्ट 8 मॉल खोल देंगे। अब जो नए स्टोर्स खोले ना, उन पे न्यू स्टाफ है जिनको एक्सपीरियंस कम है, अगर आपको ऐसी कुछ भी तकलीफ हुई हो तो हमने कस्टमर केयर नंबर हर कार्ड पर लिखा हुआ है, जिस पे आप अगर फोन करते हैं तो आपको परफेक्ट सही जवाब मिलता। और अभी कभी भी किसी को भी कोई कंप्लेंट हो गए, कस्टमर केयर नंबर पर फोन करो, अच्छा जवाब ही मिलेगा। जो भी स्कीम चलाते हैं, आज मैं तो यहाँ तक मानता हूँ, जिस दिन भी देवी बैग की एड आती है ना पेपर में, वो ये नहीं देखते एड में क्या है, पब्लिक ये देखती है कि इसमें फ्री क्या है, तो वो देवी का प्रसाद लेना चाहती है। और मैं भी आज तक कभी दिल से इच्छा नहीं कि फोकट की एड छाप दो, मैं हमेशा कुछ ना कुछ देवी का प्रसाद बांटता ही। आशीष शर्मा जी देवी भगत और ये देवी बैग, इंडिया में कई सारे ब्रांड के बैग मिलते हैं, उसमें आप देवी बैग क्या अलग दोगे? फ्री की बात नहीं, फ्री के अलावा जो चीज है वो क्या गारंटी दोगे, क्या करोगे? एक सेकंड, देवी बैग में सबसे ज्यादा दो ही चीजें महसूस हुए, जो कि हिंदुस्तान की कोई भी रिटेल या होलसेल कंपनी जिंदगी भर की गारंटी वारंटी लिख के नहीं देती है, और हम उसको 15 साल से पूरा भी कर रहे हैं। और वही बात डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट में अभी सफारी कंपनी के एमडी का डायरेक्ट मेरे पे फोन आया था, ये जस्ट बात है कल की, और सफारी के डिस्ट्रीब्यूटर भी ये यहाँ बैठे हुए हैं। सर जी आपने क्या बोला था मुझे जो फोन पे, वो रिकॉर्डिंग में बताओ कि प्लीज 70% ऑफ सफारी में मत दो, कंपनी 50-60 लास्ट में 65 देती है, आप 70 क्यों दे रहे हो? भाड़े की दुकान ली, वो भी पान की दुकान के पीछे, और सच बताऊं मैं रस्ते पे खड़े रहकर बोलते थे आओ बहन पर्स के लिए आओ ना, बहन बहन यहाँ जाओ पर्स ले जाओ, तो ऐसे मैंने 10 साल किया। और स्टेशन के पीछे जो झोपड़पट्टी है वहां पे बगैर पंखे के मैं 10 साल रहा हूं, ऐसे जहां पे 10 इंसान है कि जिनने मुझे देखा है। 2003 में मैंने पहला मकान लिया था, तब तक मैं झोपड़े में रहता हूं, आज राष्ट्र में वहीं पे जाके ये सब मिठाइयां बांटने वाला हूं। मेरे दोस्तों को जितने भी झोपड़े वाले हैं, मैं उनका खास दोस्त हूं आज भी।
अच्छा ये आपने लोन पे लिया है कि कमा के लिया है? फोन पर लेना है कमा के लेना, बात तो एक ही होती है। फोन पर लेने से वो हफ्ते बाद में चुकाने पड़ते हैं और कल कमा के तो क्या ले कमा के लेने वाले। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और सब सेवा और ये सब, आप तो बिजनेसमैन है मगर सेवा भी कर रहे हैं साथ में और बिजनेस कर रहे हैं। नहीं सर जी, इलेक्शन का माहौल चल रहा है अभी, आपको कोई इलेक्शन लड़ना है यार? नहीं सर जी, मैं आपको एक बात फैक्ट बोल देता हूँ, जस्ट बाय वोट, देवी की कसम पहली बार खा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सी पार्टीज आई हैं जो कि धारा सभ्य या MLA के लिए मुझे प्रोत्साहन कर रही हैं। पिन जो हार्ट होता है ना हार्ट, वो सिर्फ एक ही दुआ मांगता है कि बड़ा बिजनेसमैन बनके कुछ भी हाथ में नहीं लेके जाने का, मरने के बाद डोनेट नहीं, मैं जीते जी डोनेट करता हूँ। अभी आपको मैं एक स्पष्ट बात बोल दूँ, देवी बैग का डायरेक्टर MD आशीष शर्मा भाड़े के फ्लैट में रहता है, भाड़े के मकान में रहता हूँ, ये मैंने स्पष्ट बोल दिया है। मेरे पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है और मेरे मैनेजर्स के पास खुद के टेनमेंट्स, फ्लैट्स, फोर व्हीलर्स हैं। मेरे एम्प्लॉय में एक भी वर्कर्स चलते चलते साइकिल लेके नहीं आता है, फोर व्हीलर्स या फिर एक्टिवा लेके आते हैं। और मेरे वर्कर्स में 120 वर्कर्स में कम से कम 90 वर्कर्स के घर एयर कंडीशन है। और मेरा टारगेट है कि हर वर्कर्स जो मेरे साथ में जुड़ा हुआ है उसका इंटरव्यू कैसे लेता हूँ पता है? हमारे गांव की भाषा में रहता हूँ, देख बेटा ना तो कोई यहाँ सेठ है, ना कोई मैनेजर है, ना कोई बॉस है, तू ही सेठ, जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा। आज एक भी चीज आप और हाथ के सामने नहीं है। और आज एक पाकिट बेचने वाला बोलता है कि मैं भारत का सबसे बड़ा बैग वैन का बिजनेसमैन हूँ और ऐसे 5 साल से ढोल पीट रहा है, तो उसका कारण क्या होगा? सिर्फ टीम वर्क। आज जो लोग मेरे साथ में बैठे मैं तो उनके सामने कुछ भी हस्ती नहीं हूँ, जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां मेरे साथ में आई है वो मेरे साथ में नहीं आई है, देवी के साथ में आए। सर पहले तो आपका परिचय। मैं आशीष ओम प्रकाश शर्मा, राजस्थान सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी का रहने वाला था, लेकिन मेरा 1995 में से अभी अहमदाबाद में सेट हो गया हूँ। देवी बैग का स्पेशल ऑफर क्या है और आप क्या लेके आ रही है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देवी बैग का ऑफर सब गुजराती भाई बहनों को देवी बैग के साथ में जुड़ने का, और गुजरात में देवी बैग ही देवी बैग दिखना चाहिए, देवी हर गुजरात के हर सिटी में हर गांव में होनी चाहिए, ये हमारा एक 100% दृढ़ संकल्प आत्मविश्वास या कुछ भी हो, यानी देवी करके ही रहेगी और गुजरात में देवी बैग की ब्रांचेस। सर अहमदाबाद में कितने मॉल हैं और आने वाले समय में गुजरात के अंदर आके क्या? अहमदाबाद में इस टाइम पर 8 मॉल्स हैं और आने वाले समय में मेरा जो सोचना है वो तो 100 मॉल 2 साल के अंदर और गुजरात में होंगे, लेकिन वो सब देवी की दया से होंगे। सर देवी बैग की मोनोपोली क्या है? देवी बैग की मोनोपोली लाइफ टाइम सर्विस और सेकंड कस्टमर इज गॉड। कभी कस्टमर हमें 2 जूते भी मार के चला जाएगा तो भी हम हाथ जोड़ के बोल देंगे भैया छोड़ दो हमको। सर लाइफ स्टाइल का मतलब समझाइए कि आप लाइफ टाइम पे ये, कभी आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और 3 साल के बाद में उसकी चेन बगड़ी तो आप देवी की कोई भी ब्रांच पे जाओगे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑन स्पॉट ही रिपेयरिंग करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है ऑन स्पॉट रिपेयरिंग। स्टूडेंट्स के लिए आप बोल रहे हो चैरिटी कर रहे हो, क्या क्या चैरिटी आज आपने क्या चैरिटी की आज? स्टूडेंट आज तो स्टूडेंटों को खाली मिठाई कराई है, बाकी इसके पहले स्टूडेंटों को जो यंग कॉलेज हैं उनको बॉडी स्प्रे देते हैं, कभी पेंसिल पाउच या कंपास बॉक्स देते हैं, कभी पानी की बोतल में गिफ्ट में देते हैं, जैसा देवी हमारा मूड करती है ऐसी हम सेवा कर देते हैं। आज अंजन मंडल और अन्य जगह क्या चैरिटी की आपने? चैरिटी में तो वहाँ पर आज तो खाली देवी का प्रसाद ही दिया था, आठम थी, बाकी ये डिकोरेशन करके आए थे। कभी भी कितनी भी बैग्स की रिक्वायरमेंट हो बिंदास देवी में फ़ोन कर देना। सर देवी बैग प्राइवेट लिमिटेड में कितनों को रोजगारी दिया का मुद्दा खास करके ये है कि सबको रोजगारी दिया तो कितने वर्कर्स काम करते हैं? अभी तो देवी बैग्स में 120 वर्कर्स का स्टाफ है और आने वाले 2 साल में
मेरा टारगेट तो 1000 के ऊपर का, लेकिन डिपेंड होगा वो देवी की दया के ऊपर, उन्हें कितनी दया दिखाएगी देवी मेरे ऊपर कि मैं 500 कर पाऊँ या 5000 तक भी पहुँच जाऊँ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।